हेलो एक्वेरियस वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है 19th ऑफ जनवरी से लेके ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी तक की तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में फॉर एक्वेरियस ऑफ सोर्ड्स द एम्पेर सॉरी द एम्प्रस द स्टार एंड द्री ऑफ सोर्ड्स भी ओके तो हमारे पास है पेज का कार्ड एक्वेरियस उन लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है जो बहुत ज्यादा मीठा बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहे हैं मतलब अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं और आप इस पर्सन से अभी अभी मिले हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है बिकॉज पेज के कार्ड के साथ ये जो कोई भी है ये पर्सन अपने रियल इंटेंशन को छुपा रहा है इनके इरादे कुछ और हो सकते हैं बिकॉज ये पर्सन आपको द एम्प्रेस की तरह पाता है इन्हें पता है कि आप द एम्प्रेस हैं जब आप एक बार किसी पे भरोसा कर लेते हैं तो फिर वो पर्सन आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है आप उस पर्सन को जो वो मांगे वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं आप एक अनकंडीशनल लवर है जो कि अपने लवर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो द एम्प्रेस के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि शायद कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके आसपास जो आपको ड्रेन कर रही है और जिन्हें आपसे किसी तरीके का फायदा नजर आ रहा है मे बी कोई आपका एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहा है इस पर्सन को एम्प्रेस के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है एम्प्रेस न सिर्फ ब्यूटीफुल है फिजिकली अट्रैक्टिव है बट वो वाइज भी है और लविंग एंड केयरिंग भी है इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें तो कुछ ऐसा मिल गया जिसका उन्हें कब से इंतजार था एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्यसन काफी लंबे समय तक चुप रहा क्योंकि मैं यहां ये सब शॉर्ट्स देख रही So, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है ये पर्सन इतने समय से साइलेंट था कुछ कह नहीं रहा था आपसे दूरी बनाई हुई थी एंड आउट ऑफ नो वेयर पर्सन आएगा और जितनी स्वीट बातें हो सकती हैं उतनी स्वीट बातें आपसे करेगा आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करें या किस तरीके से अपनी फीलिंग्स जाहिर करें इस पर्सन को शायद आप, आप समझ नहीं पाए हैं अभी तक ओके okay? एंड uh, यही वजह है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब ये पर्यसन आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करें क्या इस पेर्सन को आप एक्सेप्ट करें या बाउंड्रीज बनाए या फिर कुछ और सो द स्टार के साथ लगता है एक्वेरियस ये पर्यसन आप पे बहुत ज्यादा फोकस्ड था अगर आप इस ईगल को देखें तो ये ईगल शिकार कर रहा है और ऐसा ही कुछ इस पर्सन का एटीट्यूड हो सकता है आपकी तरफ इस पर्सन को ये लग रहा है जैसे कि आप उनकी रीच में हैं और ये आपको टारगेट बना सकते हैं टारगेट नॉट इन द वे कि आपको हर्ट करना चाहते हैं या हार्म करना चाहते हैं बट ये पर्सन अपने एडवांटेज के बारे में सोच रहा है ओके okay? एंड ये पर्सन आपको ब्लेम नहीं करने वाला या कुछ ऐसा नहीं कहने वाला जिससे आपको बुरा लगे या आप हर्ट हो सो so, ये पर्सन बहुत स्वीट रहेगा बहुत ज्यादा पोलाइट नजर आएगा आपको ये कोई बुरी बात तो नहीं है बट बतारो आपसे कह रहा है कि आपके लिए जरूरी है कि आप डिटेल्स में जाए इसके पीछे वजह क्या है स्पेशली अगर वो एस ऑफ सोर्ड्स के बाद हो रहा है तो ओके okay? स्पेशली अगर ये एक ऐसा पर्सन है जो काफी लंबे समय से साइलेंट था और अचानक से ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना शुरू कर दिया और हमारे पास यहां पे थ्री ऑफ स्टार्स भी है तो थ्री ऑफ स्टार्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसा जो शायद हमेशा के लिए खत्म हो गया था मे बी आपको लगा कि ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा या ये पर्सन कभी ओपन अप नहीं होगा ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है जो आपको सरप्राइज कर देगी तो थ्री ऑफ सोल्ड्स आपसे कह रहा है कि अब आपको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है बिकॉज थ्री ऑफ सोल्ट के बाद ये पर्सन इस पेज के रूप में आपके लाइफ में आ रहा है बहुत स्वीट और चार्मिंग पर्सन बनके एंड आपके लिए ये आ, गौर करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्सन को आपसे कोई एडवांटेज चाहिए हो बिकॉज एम्प्रेस uh, के अंदर कैपेसिटी है वो सब कुछ देने की जो कुछ भी इस पर्सन को चाहिए एंड इसलिए मोस्ट पॉसिबल एक्वेरियस की पर्सन यहां पे है हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या इयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जजमेंट एस ऑफ पेंटिकल्स, द बर्निंग टॉर सेवन ऑफ मून्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो हमारे पास है द बर्निंग टॉर द बर्निंग टॉर के साथ सब कुछ एंड होता हुआ नजर आ रहा है लगता है जैसे कि सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं बट इस पर्सन को ये अभी भी लगता है कि वो आपको किसी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं ओके okay? जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि अच्छा होगा कि आप हर चीज को जज करके और uh, सोच समझ के आगे बढ़ें जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि मे भी जैसी चीजें दिखाई दे रही है वैसी है नहीं बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स भी है तो अगर आप देखें इस फ्रंट डोर को तो ऐसा लगेगा आगे से देखने से कि ये एक कैसल है एक होम है और एक लिविंग प्लेस है बट सच यह है कि ये सिर्फ एक दरवाजा है जो कि आ, एक तरीके का इल्यूजन है जो कि बस आपको एक ड्रीम दिखा रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है सो इन केस अगर आपको लगे कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है तो टहरो आपसे कह रहा है कि एक बार डिटेल में जरूर जाए यस मे बी सम पीपल में हैव दैट वे कुछ लोगों को लग सकता है कि यह परफेक्ट है और हो भी सकता है कि परफेक्ट हो बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है बट इनके सेपरेशन के बाद इस पर्सन के साथ टच में आ रहे है या ये पर्सन अचानक से ही कुछ एक्सप्रेस करता है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो एज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये जानता है कि उनके पास क्या है उन्हें पता है द एम्प्रेस बहुत स्पेशल है उन्हें पता है कि उन्हें फाइनली वो पर्सन मिल गया जो उन्हें चाहिए था एंड अब ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो आखे और क्लोज आए बट द फैक्ट इज कि पेज बहुत इमेच्योर है और इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं इस पर्सन को लगता है कि वो रिलेशनशिप्स को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं किसी का भी कोई भी एडवांटेज ले सकते हैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आके एंड देन मूव ऑन कर सकते हैं इस पर्सन को ये आइडिया नहीं है कि द एम्प्रेस को अगर उन्होंने एक बार लूज किया तो वो उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ये पर्सन ये सोच रहा है कि शायद उनमें कोई स्पेशल बात है जो आप उनसे इस तरह प्यार कर रहे हैं या जो उन्हें आपका अटेंशन मिला है एंड उन्हें हर किसी से यह अटेंशन मिल सकता है सो so, ये पर्सन कुछ ड्रीम्स में है ओके okay? उन्हें लग रहा है कि वह परफेक्ट है और इसलिए उन्हें किसी भी रिलेशनशिप में ज्यादा लॉयल होने की या ज्यादा कमिटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है उन्हें वैसे भी सब कुछ मिलेगा एंड एक्वेरियस इस बार ये पर्सन शायद ये सोच रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा उन्हें सिर्फ इसमें रिसीव ही करना है उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि द एम्प्रेस का लव अनकंडीशनल है तो द एम्प्रेस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगी और ना ही उनपे डाउट करेगी इस तरह की कुछ बातें इस पर्सन के मन के अंदर चल रही हो सकती है चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या है खालि मां फेसिंग फियर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग दिस इज योर चांस टू सो तो काली मा आपसे कह रही है कि ये वक्त है अपने फियर को फेस करने का मे बी आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में क्या सही नहीं है अगर आपको पता है तो ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए बिकॉज ट्रुथ को एक्सेप्ट करने से आप बेहतर फ्यूचर देख पाएंगे अपने लिए या बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे काली मा आपसे कह रही है कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है चाहे वो सेपरेशन हो या कोई भी चीज बिकॉज आपके अंदर स्ट्रेंथ है अपने लिए सही जगह तलाशने की और अपने लिए सही फ्यूचर क्रिएट करने की ओके सो फियर को फेस करना जरूरी है ताकि आप सारी चीजों को करेक्ट कर सकें तो ये है रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो बाय